हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। आज हम करने वाले हैं अपना सिंटेक्स का अगला टॉपिक, अगले रूल्स। और अगर आपने इससे पहले वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप कोने में जो आई बटन होता है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे जो चैनल की प्लेलिस्ट है आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब नाउ हमारा जो रूल नंबर 35 है, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये जो रूल है और लिटल वाला, ये मोस्टली इसका एक सेंटेंस आता ही आता है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये देखते हैं, लिटिल लिटिल द लिटल, ये जो तीनों वर्ड हैं ये हमें सेंटेंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि हमें इनका मीनिंग ही नहीं पता होता कि लिटिल का मींस क्या होता है, अ लिटिल का मींस क्या होता है और द लिटल का मींस क्या होता है। हम यही डिटेल देखेंगे। द लिटल मच का प्रयोग सेंटेंस के अगर सब्जेक्ट के रूप में हो, आप ये याद करिए, इनको साथ साथ लिखते चलिए, तब आपको ये बहुत अच्छे से याद होंगे। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका इनमें से हो, तीनों चारों वर्ड्स में से, तो आपका सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल, लिटिल इज़ नोन अबाउट दिस मैन, कि मैं इस मैन के बारे में थोड़ा ही जानता हूँ। मीन्स लिटिल का मतलब थोड़ा, तो दिस इज़ राइट फॉर्म। और मच हैज़ बीन डन, यानी बहुत सारा, मतलब कुछ, मच में से यानी काम में से जो कुछ है वो हो चुका है। सो इसकी डिटेल देख लेते हैं। लिटिल का जो यूज़ है वो नगण्य, अल्प और न के बराबर के अर्थ में, यानी क्वांटिटी, जो मात्रा की बोध कराने के लिए, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। यह नेगेटिव मीनिंग रखता है। जैसे कई बार हम, जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव लिटिल मनी, यानी मेरे पास थोड़ा सा भी धन नहीं है। सो दैट इज शोज टू नेगेटिविटी, यानी नेगेटिव। तो कई बार हमारे जो कॉमन एरर के क्वेश्चन होते हैं उनमें एडजेक्टिव भी पूछ लिया जाता है कि इसमें एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर हमें इनका बेसिक्स भी बहुत अच्छे से याद है, हम इनको तभी कर पाते हैं और हमें वो एरर तभी नजर आते हैं। नेक्स्ट है इसमें, सेकंड जो ये क्या कहता है रूल, लिटिल का प्रयोग कुछ, तो ये अभी ओनली लिटिल का था। अब सेकंड नंबर पे है अ लिटिल, यानी कुछ या थोड़ा, तो ये पॉजिटिव मीनिंग रखता है, क्योंकि इसके अर्थ में जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, उसका बोध कराने के लिए जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है वो पहले क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। लिटिल मीन्स थोड़ा सा भी नहीं, और अ लिटिल मीन्स थोड़ा। जैसे आई हैव अ लिटिल मनी, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है किसका, ए का। और थर्ड वन, द लिटिल का प्रयोग जो कुछ थोड़ा है, यानी पूरा का पूरा, यानी सब का सब के अर्थ में क्वांटिटी, मात्रा का बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में था। और यह है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही मीनिंग रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, यानी मेरे पास जितना भी धन था, यानी कुछ थोड़ा धन था, वो मैंने सारा का सारा क्या है, खर्च कर दिया है या खर्च कर लिया है। तो फोर्थ वन आता है, ये आप लिटल द लिटल और लिटल, आप इसको कंपैरिजन करके करिए, कंपेयर करके करिए, तब ये आपको अच्छे से याद रहेंगे। मच का जो यूज़ है, प्रयोग है, बहुत, यानी कि इसको हम बहुत के अर्थ में लेते हैं। क्वांटिटी, मात्रा का जो बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। तो इस तरह आप इसको याद रखिए। और दिस रूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर देखने में मिलता है वाक्य में। ओके, नाउ वी मूव टू 36 रूल। अब 36 रूल क्या कहता है, कि इसमें है देयर। देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में
होता है, और इसके साथ वर्ब का प्रयोग, इसके साथ जो नाउन और प्रोनाउन नंबर और पर्सन के मुताबिक होता है। सो ये क्या कहता है कि देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, और इस तरह का जो क्वेश्चन है ये एचटेट या जो एचटेट का एग्जाम होता है उसमें आया भी हुआ था देयर वाला। सो देयर इज ए पेन ऑन द टेबल, दैट इज सिंगुलर वर्ब यूज है यहाँ पर, यही कहा है इन्होंने। और ए पेन क्या है, दैट इज सिंगुलर नाउन, सो दिस इज राइट। नेक्स्ट, देयर आर फाइव पेन्स ऑन द टेबल, तो आप इसकी प्लूरल फॉर्म देखिए कि देयर आर फाइव पेन्स, यहाँ पर ए पेन है, यहाँ पर फाइव पेन्स हैं, और देयर इज नथिंग फॉर मी, और मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। देयर के बाद जो प्रयुक्त है, मीन्स यूज हुआ है प्लूरल नाउन, ये एक सर्टेन यूनिट को दिखाता है, जैसे सर्टेन अमाउंट, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन वेट, या सर्टेन पीरियड, मीन्स किसी एक निश्चित स्थिति को दिखाता है, क्योंकि सर्टेन जो होती है दैट इज श्योर टू एक सर्टेनिटी, एक निश्चितता, मीन्स जिसको हम क्रम कह देते हैं। तो इसका अगर बोध हो तो देयर के साथ जो है सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, जैसे देयर इज ओनली अनदर 50 किलोमीटर्स टू गो, मीन्स यहाँ पर सिर्फ 50 किलोमीटर्स जाना रहता है, यानी देयर इज ना कि देयर आर, दिस इज राइट फॉर्म। नेक्स्ट है देयर आर ओनली अनदर 50 किलोमीटर्स टू गो, सो इन सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है, इसका इसमें क्या एरर आ गया है, देयर आर का, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होगा। नेक्स्ट है इसका ये, देयर इज 10 रुपीज टू पे, यानी कितने रुपीज पे करने हैं, 10, दिस इज राइट फॉर्म, और देयर आर 10 रुपीज, तो आप देयर को याद रखिए, और इसमें ऑलवेज आप क्या यूज करिए, सिंगुलर वर्ब। सेकेंड वन, देयर के बाद पेयर वर्ड्स, यानी जो युग्म जो जोड़े वाले जो शब्द होते हैं और जिनसे एक ही वस्तु या भाव का बोध हो, तो देयर के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। जैसे देयर इज राइस एंड करी, ये हमने पहले भी किए हुए हैं, ये जो युग्म वाले जो जोड़े वाले पेयर वाले वर्ड होते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, बैग एंड बैगेज, इस तरह के जो वर्ड हैं, सो देयर आर राइस एंड, इनको हम सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि राइस एंड करी, और यहाँ पर इसमें एरर आ गए, इसमें प्लूरल फॉर्म यूज हुआ है। सो सेकेंड वन, देयर इज ब्रेड एंड बटर, ये जो पेयर वाले जो वर्ड्स हैं इनको हम ऑलवेज सिंगुलर में काउंट करते हैं। नाउ वी मूव टू 37। अब आता है इट, इट का जो यूज़ है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हो, यानी शुरुआत में हो, तो इसके साथ हमेशा ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, न कि इसके बाद जो नाउन प्रयुक्त, मीन्स जो नाउन और प्रोनाउन यूज़ हुआ है, और नंबर के मुताबिक जो वर्ब का यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इट इज़ आई, इट इज़ आई, यानी यह है, मैं हूँ, हु एम आ टीचिंग यू, मीन्स मैं, ये मैं हूँ जो तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, ये तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, दिस इज़ राइट। एंड इट एम आई, क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, आई को देख के हम एम का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि अगर इट सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोडक्टरी उसमें हो, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के, तो ये जो वर्ब है ये पर्सन के मुताबिक होता है, जैसे इट इज़ आई नॉट एम, तो ये इसमें एरर है। नेक्स्ट है इट इज़ वी, वैसे तो हम इसको प्लूरल फॉर्म में कंसिडर करते हैं कि वी जो है वो प्लूरल वर्ड उसमें आता है, प्लूरल वर्ब में, सॉरी प्लूरल नाउन में, लेकिन हु आर हेल्पिंग यू, यानी ये इसमें जो राइट फॉर्म है, और इसका जो एरर है इट आर, इट वी आर, सो आप इसको याद रखिए, मेमोराइज रखिए कि इसमें ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा सिंगुलर फॉर्म में।
तो इसका डिटेल देख लेते हैं। ऊपर दिए गए जो एग्जांपल्स हैं उसमें जो हु का प्रयोग है दैट इज शोज टू रिलेटिव प्रोनाउन, और जो हु के बाद जो वर्ब का यूज़ हुआ है और हु के पहले जो नाउन या प्रोनाउन या नंबर का यूज़ हुआ है वो पर्सन के मुताबिक होता है। सो नेक्स्ट वी मूव टू 38। अब 38 रूल क्या कहता है कि नाउन इन अपोजिशन, कि अगर नाउन किसी पोजिशन या कंडीशन में हो के केस में फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के मुताबिक वर्ब का यूज़ होता है, यानी नाउन इन अपोजिशन का मींस, इसका मतलब क्या होता है, मींस जब कोई नाउन और प्रोनाउन किसी नाउन और नाउन फ्रेज के पहले यूज़ होकर नाउन और नाउन फ्रेज के पोजीशन को एक्सप्लेन करता है तो वो नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। सो आप इसको याद रखिए कि व्हाट इज़ नाउन इन अपोजिशन। जैसे फॉर एग्जांपल सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा वाज पुअर, सो दिस इज़ राइट बिकॉज यहाँ पर सुदामा पहले आया है फिर उसके बाद में उसकी इंट्रोडक्शन है कि द फ्रेंड ऑफ कृष्णा वॉज पुअर, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते थे सुदामा वॉज पुअर, दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वन यू, तुम माय स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, तो इसको ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं यू आर इंटेलिजेंट, लेकिन यहाँ पर जो नाउन है यू है वो अपोजिशन यानी एक स्थिति दिखाता है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो और इंटेलिजेंट हो। नेक्स्ट है और इसका एरर क्या है, यू माय स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, यानी यू यहाँ पर जो प्लूरल नाउन है सो यहाँ पर प्लूरल ही आएगा। नेक्स्ट है उषा माय यंगर सिस्टर वॉज वेरी क्लेवर, दिस इज राइट फॉर्म, एंड उषा माई यंगर सिस्टर वर, दिस इज एरर। नेक्स्ट है मिस्टर ठाकुर, आई मिस्टर ठाकुर एम नॉट डिसऑनेस्ट, मीन्स आई एम नॉट डिसऑनेस्ट, और इसका जो नेक्स्ट है वो है मिस्टर ठाकुर, आई मिस्टर ठाकुर इज Not dishonest. So ये noun in opposition है। Next है rule number 39। यदि single infinitive, single gerund और single clause का प्रयोग sentence के subject के रूप में हो तो इसके साथ singular verb का use होता है और single का अर्थ एक होता है। तो सबसे पहले वी शुड नो व्हाट इज इन्फिनिटिव, व्हाट इज जीरियन एंड क्लॉज। तो इन्फिनिटिव का क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब की फॉर्म, और जीरियन क्या होता है मार्जिनल वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी, और जो क्लॉज होता है क्लॉज का मींस क्या होता है, क्लॉज में क्या होता है ऑलवेज एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है या ऑब्जेक्ट, क्योंकि कई बार क्लॉज में सब्जेक्ट भी हो सकते हैं कहीं और कई ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, मींस में प्रेडिकेट भी हो सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, सो दिस इज इन्फिनिटिव, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, दिस इज जीरिंट, एंड वेयर शी गोज इज नॉट नॉन टू मी, दिस इज ए क्लॉज, यानी वेयर शी गोज मीन्स क्लॉज क्या होता है, दैट टू शोज द कम्प्लीट सेंस कि वेयर शी गोज वह कहाँ जाती है, मीन्स ये इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि वो कहाँ जाती है बट नॉट नोन, लेकिन ये नहीं पता। सो इसकी जो डिटेल है वो देख लेते हैं। यदि डबल इन्फिनिटिवस, डबल इन्फिनिटिवस, डबल जीरेंट और डबल जो क्लॉजेज हैं एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। ये जो जीरेंट और इन्फिनिटिव और क्लॉज वाला टॉपिक है दिस इज़
अब बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इसी से ही सारे जो सेंटेंसेस हैं वो मेक इट होते हैं. टू रन एंड टू स्विम मीन्स ये एंड कंजक्शन से ऐड हो रहे हैं. टू रन एंड टू स्विम आर गुड एक्सरसाइजेस मीन्स दो एक्टिविटी इसमें ऐड हो रही हैं, तो ये डबल इन्फिनिटिव हो गया है. रनिंग एंड स्विमिंग इसमें भी डबल एक्टिविटी यूज़ हो रही है, यानी गुड एक्सरसाइजेस. और व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू आर क्लियर मीन्स इसमें दो क्लॉजेज हैं और दोनों ही अपना क्लियर मीनिंग करते हैं. जैसे हम क्या कहते हैं और हम क्या करते हैं, वो हमें क्लियर है यानी स्पष्ट है. सो वी मूव टू रूल नंबर 40. यदि टू सब्जेक्ट्स यानी दो सब्जेक्ट हो अगर वाक्य में एज वेल एज से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो एज वेल एज से पहले सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ वर्ब का पर्सन के मुताबिक मीन्स पर्सन के अकॉर्डिंगली वर्ब का यूज़ होता है. जैसे द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर हैज़ कम मीन्स एक पब्लिशर और उनके साथ ही साथ राइटर भी आए हुए हैं. और इसका ये देख लेते हैं, द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स हैव कम मीन्स यहाँ पर जो एज वेल एज से ये सिंगुलर फॉर्म दिखाता है, क्योंकि पब्लिशर और उनके साथ ही राइटर भी आए हुए हैं. सो यहाँ पर प्लूरल यूज़ नहीं होगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा. द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर आर एक्साइटेड टू पब्लिश दिस बुक. और इसका सेकेंड वन जो बनता है, द राइटर एज वेल एज द पब्लिशर इज एक्साइटेड टू पब्लिश दिस बुक. सो इसमें यहाँ पर इज का यूज़ नहीं होगा, इसमें प्लूरल फॉर्म का यूज़ होगा. ओके, नाउ वी मूव टू 41. विद, टूगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, नॉट लाइक अलाइक, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, बट बिसाइड्स एक्सेप्ट रादर देन, एकम्पनीड बाय, हेडेड बाय, गाइडेड बाय, गवर्न बाय, कंट्रोल बाय एंड लेड बाय, डोमिनेटेड बाय, रन बाय. अगर ये सब्जेक्ट के नंबर और अगर वाक्य में ये यूज हो, तो जो सब्जेक्ट है नंबर और पर्सन के मुताबिक वर्ब का यूज़ होता है. और जैसे द क्रिमिनल अलोंग विद हिज फॉलोवर्स वॉज अरेस्टेड मीन्स यहाँ पर हमें ये लगता है कि जो क्रिमिनल हैं और उसके फॉलोवर्स मीन्स बहुत सारे पर्सन्स हैं, और हम इसको प्लूरल मान लेते हैं, लेकिन इसको एक ही कंसिडर किया जाता है. जैसे द क्रिमिनल और उसके साथ ही उसके फॉलोअर्स को. सो इसका जो एरर है, द क्रिमिनल अलोंग विद हिज फॉलोअर्स वर एस अरेस्टेड. नेक्स्ट इसका एग्जांपल देख लेते हैं. ही एंड ही एंड नॉट हिज ब्रदर्स इज फाउंड गिल्टी उसे और ना ही उसके भाई को गिल्टी पाया गया है. और ही एंड नॉट हिज ब्रदर, तो ये एंड से जुड़ रहे हैं. सो यहाँ पर इसमें एरर है. द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर्स इज कमिंग हेयर. वैसे ये द प्रिंसिपल और उनके अपने किन के साथ आ रहे हैं, अपने सभी टीचर्स के साथ आ रहे हैं. द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर आर कमिंग हेयर. और ये क्या सेंस बनाता है कि ये प्लूरल की फॉर्म में बनाता है, लेकिन ये जो सेंटेंस है किससे जुड़ा हुआ है, द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर्स फिर इज कमिंग हेयर. सो दिस इज राइट फॉर्म. यहाँ पर ये आपको वर्ड्स याद रखने हैं जितने भी हैं. So now we move to 42. ये सब्जेक्ट्स सॉरी दो सब्जेक्ट्स जैसे नाइदर नॉर
आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो और से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो नॉर और बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट के जो नंबर हैं पर्सन के मुताबिक वर्ब का यूज़ होता है। और जो ये जो रूल है दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, नाइदर ही नॉर आई वॉज गिल्टी, ये जो वर्ड होते हैं नाइदर आइदर नॉट ओनली दैट इज शोज टू कंपैरिजन, ये एक तुलनात्मक वर्ड है, ये अपोजिट कंडीशन को दिखाते हैं। सो नाइदर ही नॉर आई वर, और इनको ऑलवेज सिंगल माना जाता है, जैसे हम कई बार देख लेते हैं कि नाइदर और नाइदर ही नॉर आई, यानी एक यहाँ पर नाइदर के साथ जुड़ा हुआ है फिर एक नॉर के साथ जुड़ा हुआ है, इनको सिंगुलर ही माना जाता है। जैसे आइदर द फादर और हिज सन्स, नाइदर की जो सेंस है वो नेगेटिव में आती है और जो आइदर है उसकी सेंस जो है वो पॉजिटिव में आती है। नाइदर द फादर और हिज सन्स वर पनिश्ड, कि ना तो फादर और ना ही उसके सन्स को पनिश्ड किया गया है, और आइदर द फादर और हिज सन्स वॉज पनिश्ड। तो यहाँ पर जो राइट फॉर्म है यहाँ पर प्लूरल का फॉर्म यूज़ होगा और नाइदर वाले में सिंगुलर का फॉर्म यूज़ होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अब नॉट ओनली का देख लेते हैं। नॉट ओनली, न केवल मोहन बट आल्सो, क्योंकि जो वाक्य में सेंटेंस में बट आल्सो आ जाता है तो ये अपोजिशन को दिखाता है, बट आल्सो हिज ब्रदर्स वर प्रेजेंट, मींस यहाँ पर न केवल मोहन बल्कि उसके ब्रदर्स भी हाजिर थे, प्रेजेंट थे। सो नॉट ओनली मोहन बट आल्सो हिज ब्रदर्स वॉज, सो यहाँ पर प्लूरल की ही सेंस को ये दिखाता है, सो यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज होगा। नॉट ओनली डीके बट डीपोस मैन इज ऑल्सो ऑनेस्ट, इसी तरह ये नेक्स्ट यू वाला, यू और ही, यू और ही वाज पंक्चुअल, मीन्स तुम और वह क्या है पंक्चुअल है, मीन्स ये और को दिखा रहा है कि तुम या वो, मीन्स ये सिंगुलर फॉर्म है, यू और ही वर। सो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है एक जो सब हमारा जो नाउन है एक प्लूरल है एक सिंगुलर है, तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें किसके हिसाब से फिल करना है, सेकंड वाले के हिसाब से। जैसे फर्स्ट में सेंस बन रही है ही की, जैसे यू और ही वाज पंक्चुअल और यू और ही वर, सो ये जो इसका है एरर है, यानी हमें इस दूसरे वाले सब्जेक्ट के हिसाब से इसको फिल करना है। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 43, रिलेटिव प्रोनाउंस, जो प्रोनाउंस आपस में संबंधित होते हैं या संबंध को दिखाते हैं, जैसे हु विच दैट के पहले जो प्रयुक्त जो नाउन है प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के मुताबिक रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब में यूज होता है, जैसे द गर्ल हु इज प्लेइंग इज माई डॉटर। सो अगर इसको सिंपल वर्ड्स में सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करें द गर्ल इज माई डॉटर, लेकिन यहाँ पर एक संबंध एक रिलेशन है कि द गर्ल जो खेल रही है वो मेरी बेटी है, द गर्ल्स हु आर प्लेइंग आर माई डॉटर्स। तो इसी तरह यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है इज प्लेइंग और इज माई डॉटर, तो सेकेंड वन में द गर्ल्स हु आर, अगर यहाँ प्लूरल फॉर्म यूज़ हुई है हु के साथ तो आर माई डॉटर्स। इसी तरह नेक्स्ट में इट इज़ आई हु हैव रिटन दिस लेटर, कि यह मैं हूँ जिसने यह पत्र लिखा है। तो कई बार सेंटेंस में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इसमें जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है एडजेक्टिव है एडवर्ब है, तो इस तरह के वर्ड्स में ऑलवेज रिलेटिव प्रोनाउन होता है। सो इसकी डिटेल देख लेते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन और प्रोनाउन का
यूज हो तो नाउन और प्रोनाउन के पहले, आल्सो का यूज हो तो आल्सो के पहले जो नाउन और प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के मुताबिक वर्ब का यूज होता है. दो स्टूडेंट्स आल्सो सर्व द नेशन हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर. मीन्स दो स्टूडेंट्स आल्सो सर्व द नेशन, कि वे स्टूडेंट हमेशा अपने नेशन को की सेवा करते हैं. हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, जो गरीबों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं. अब इसमें कंपैरिजन देख लीजिए, दो स्टूडेंट्स ऑल्सो सर्व द नेशन हु वर्क्स फॉर, हु वर्क्स फॉर द, इसमें सिर्फ एक एस लगा के इसको सिंगुलर कर दिया है और ये इसमें एस की मिस्टेक है. वर्क क्योंकि ऊपर वाले में वर्क है और इसमें वर्क्स हैं. सो देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस, ये ध्यान रखना है. दे ऑल्सो नीड पनिशमेंट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम. मीन्स दे ऑल्सो नीड पनिशमेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम. दो सेंटेंस देख आप दोनों देखिए, एक राइट है एक रॉन्ग है, तो इनमें सिर्फ एक थोड़ा सा डिफरेंस है आर और इज का, और यही इसकी कंप्लीट सेंस को चेंज करता है. नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें. रिलेटिव प्रोनाउन का यूज जिस नाउन और प्रोनाउन के लिए होता है उसी नाउन और प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के मुताबिक रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ब का यूज होता है. जैसे इसमें सेकंड वन है, वन ऑफ द प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे हु विच दैट, ये हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब का जो यूज़ है वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्लूरल नाउन प्रोनाउन के मुताबिक ही होता है. यानी अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल होगा, न कि वन के मुताबिक जो सिंगुलर होता है. जैसे ये देख लेते हैं, बिने इज वन ऑफ माय ब्रदर्स हु इज वर्किंग इन टाटा प्रेस. और इसका आप कंपैरिजन करके करिए, बिने इज वन ऑफ माय ब्रदर हु आर, यानी मेरे भाइयों में से वो बिने एक है जो कहाँ काम करता है, टाटा प्रेस में. नेक्स्ट है, अजीत इज वन ऑफ दोज हु एडवाइजेज मी नॉट टू अटेंड द क्लास. ये और सेकंड वन है इसका, अजीत इज वन ऑफ दोज हु एडवाइज मी नॉट टू अटेंड द क्लास. एग्जाम्स में इस तरह के सेंटेंसेस को कंसिडर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनमें सिर्फ किसके मिस्टेक्स हैं, ओनली एस यानी सिंगुलर की. और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें क्या पूछा गया है, कि हमारा जो दोज है वो प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसमें किसका यूज होगा, हु एडवाइजिज, तो इसमें यहाँ सिंगुलर यूज़ कर दिया है, तो ये प्लूरल ही यूज़ होगा, ये आपने याद रखना है. नाउ वी मूव टू 44. अब 44 में क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 के बाद प्लूरल नाउन का जो यूज़ है वो प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, कोई निश्चित वजन हो गया, यानी सर्टेन का मीन्स निश्चित ही होता है, सर्टेन पीरियड, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन हाइट के साथ इनका बोध हो, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, ना कि प्लूरल वर्ब का. जैसे 5 rupees इज ए वेरी स्मॉल अमाउंट, और 5 rupees आर, क्योंकि यहाँ पर जो मनी है वो एक सर्टेन अमाउंट है, क्योंकि 5 rupees बता रखे हैं, और तो ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ब इसके साथ यूज़ होगा.
नेक्स्ट है टू टर्न्स ऑफ कोल्स इज नॉट एनफ फॉर हिम, ये राइट फॉर्म है इसका, और टू टर्न्स ऑफ कोल आर नॉट एनफ फॉर हिम। तो इस तरह की जब जो निश्चित फॉर्म, जैसे दो टर्न की बात कही गई है इसमें, तो एक निश्चित अमाउंट है यहाँ पर। नेक्स्ट है सिक्स ईयर इज ए लॉन्ग पीरियड, ये राइट फॉर्म है, एंड सिक्स ईयर्स आर ए लॉन्ग पीरियड। तो इसी तरह अपने एग्जांपल्स करने हैं, इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। लेकिन अब इसमें क्या है, जो कार्डिनल जो एंड एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ प्लूरल नाउन के अलग अलग यूनिट का, अलग अलग यूनिट का बोध हो तो इसे प्लूरल माना जाता है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, 50 रुपीज़ इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स मीन्स इसके साथ एक अलग यूनिट का कैसे यूज़ हुआ है कि जो 40 रुपये हैं वो किन में बांटे गए हैं, स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, यानी एक अलग यूनिट का यूज़ हो रहा है इसमें। सिक्स मंथ्स हैव पास्ड सिंस ही केम हेयर मीन्स 6 महीने पास हो गए, गुजर गए हैं जब वो यहाँ आया है। सो सिक्स मंथ हैव पास्ड मीन्स यहाँ पर जो राइट है वो हैव आएगा, सिक्स मंथ्स हैव पास्ड सिंस ही केम हेयर, दिस इज राइट फॉर्म। अब यहाँ पे ये क्या कहता है कि ऊपर जो एग्जांपल वन है इसका अर्थ है, यानी 50-50 जो रुपए हैं वो छात्रों के बीच बांटे जाने को है, यह वाला है। यहाँ 50 रुपीज़ का प्रयोग 50-50 रुपए अर्थात कई 50 रुपए के अर्थ में हुआ है, क्योंकि इसके एक यूनिट बांट दी है, मीन्स एक नहीं है एक कई, अतः 50 रुपीज़ प्लूरल है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ सही है। तो ये आपने इसकी वाक्य की सेंस को याद रखना है। नेक्स्ट है रूल नंबर 45। अब अर्थमैटिक के हिसाब, यानी जो अर्थमैटिक होता है मैथ्स की टर्म है, सम्स में जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों का यूज किया जा सकता है, लेकिन भाषा में लैंग्वेज में हम सिंगुलर वर्ब का यूज ट्रेंड में हैं, अतः हम रीडर्स को भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए जो ज़्यादा बेहतर है। जैसे हम क्या कहते हैं कि दो और दो चार होते हैं, यही फेमस लाइन है। जैसे टू एंड टू मेक्स फोर, टू एंड टू मेक फोर, ये भी सही है क्योंकि दोनों ही सही हैं। लेकिन बिल्कुल जो एग्जैक्ट है वो किसको माना जाता है, वो माना जाता है सिंगुलर फॉर्म को। अगर हम इसको मेक्स भी बना दें या मेक भी बना दें तो दोनों ही राइट हैं। जैसे 5+5 is 10 और 5+5 are 10, सो ये दोनों ही फॉर्म क्या हैं, दोनों ही राइट हैं, लेकिन हमें कौन सी यूज़ करनी है, जो सिंगुलर वर्ब में यूज़ होती है। सो आपने ये जो रूल्स हैं रिवाइज़ करने हैं, इनको मेमोराइज़ करना है। सो थैंक यू सो मच।